हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिट 4 फैमिली एंड मैरिज इन सोशियोलॉजी बाय आर शिवानी बुक हम डिस्कस कर चुके हैं अपना पूरा पोर्शन फैमिली का। अब हमारा छोटा सा पोर्शन रेस्ट ऑफ है, ड्यू है, जिसे हम कह सकते हैं मैरिज का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैरिज, और जनरली आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है सो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। आपके सेमेस्टर एग्जाम जाए में होंगे, इससे पहले आपका जो सेशनल एग्जाम सेकेंड हो उस तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जितना भी आपका क्लिनिकल साइड हो उसको भी अपना एवन रखिएगा, और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में होगा बट फर्स्ट पर भी फोकस करेगा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैरिज को, सो लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा मैरिज है, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं मैरिज की। मैरिज इज़ अ सोशली अप्रूव वे ऑफ इस्टेब्लिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ये डेफिनेशन हम लोगों को गिलेन एंड गिलेन ने दी थी। मैरिज क्या है? मैरिज एक सोशली है, मतलब कि एक सोसाइटी में अप्रूव्ड है, लीगल बेसिस पे होती है। इससे हम अपनी फैमिली का प्रोक्रिएशन कर सकते हैं। प्रोक्रिएशन में चाइल्ड बियरिंग आती है। नेक्स्ट आप लर्न कर सकते हैं, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रोडक्शन होता है चिल्ड्रन का, और मेंटेनेंस किसका होता है? चिल्ड्रन का। ये डेफिनेशन मैलन नोस्की ने दिया है। ये भी ईजी डेफिनेशन है मेरे अकॉर्डिंग, ये दोनों डेफिनेशन ईजी। आप कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। फॉर्म्स ऑफ मैरिज को हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम से। हमने, अगर आपको याद हो, ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ फैमिली में ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज डिस्क्राइब करा था मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनोगैमी में सिंगल सिंगल मैरिज, मतलब सिंगल कपल में बीच में मैरिज होगी, और पॉलीगैमी में बहुत सारे, मतलब पॉली मतलब भी होता है बहुत सारे। पॉलीगैमी में दो टाइप्स के होंगे, पॉली एंड्रस एंड पॉलीगैनी। हमने आपको बताया था पॉली एंड्रस मतलब कि मल्टीपल मल्टीपल मेल्स होंगे लेकिन फीमेल वन होगी। पॉलीगैनी में मल्टीपल फीमेल्स होंगे और वन मेल होगा। तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज में सबसे पहले आपको मोनोगैमी दे रखे, मैंने मीनिंग बता दी आपको। पॉलीगैमी में आपको पॉलीगाइनी और पॉली एंड्रस पे फोकस करना है, बस ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अदर फॉर्म ऑफ मैरिज। अदर फॉर्म ऑफ मैरिज में एक आपकी एंडोगैमस, एक्सोगैमस, इंटरकास्ट मैरिज और चाइल्ड मैरिज। अगर मैं बात करूँ एंडोगैमस की, एंडोगैमस में जो मैरिज होती है उसको हम लोग इन मैरिज कहते हैं। इन द सेंस इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों के जो सोसाइटी, जितना भी हमारा रेंज और रिलेशनशिप है उसमें मैरिज होना। एक्सो में हम लोग अपने ग्रुप के बाहर शादी करते हैं, आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेले हिंदूज में अगर बताऊँ तो सरनेम से, अगर सेम सरनेम में करें तो एंडोगैमस, डिफरेंट सरनेम करें तो एक्सो। अगर आपने कास्ट, डिफरेंट कास्ट में करें तो वो इंटरकास्ट मैरिज है। कास्ट क्या हो गई आपकी? डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है? चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज में जो प्यूबर्टी अटेन नहीं करी हो और उनसे पहले आपने उनकी मैरिज कर दी तो हम लोग उसको कहेंगे चाइल्ड मैरिज। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मैरिज को डिस्कस करा। बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, आपको इससे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फैमिली सिस्टम। इंडियन फैमिली के सिस्टम पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़े जिसकी वजह से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले फैमिली सिस्टम या फिर फैमिली पे, मैरिज पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है? इंडस्ट्रीज़ का अफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि अर्बन एरिया ज़्यादा हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन एक मेन फैक्टर है। एलाइनमेंट ऑफ वुमेन, अब जैसे वुमेन को बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिले, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो हर एक फील्ड में वर्क कर सकें, उनकी बराबरी हर एक मेन से कर सकें, वो अपने सिटीज़ में अपने वर्क को लेकर बिल्कुल भी ग्रेजुअल नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी नहीं रहती, बस वो अपना फियर्स को हटा के अपने राइट्स के लिए बिगिन नहीं करके अपने वर्क करती हैं। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, तो आपको पता है पहले ओल्ड ट्रेडिशनल की वैल्यूज़ और बिलीव्स थी, बट जब से हम लोग इंडस्ट्रियल और अर्बन को मानने लगे, अर्बनाइजेशन को, रूल को, तब से हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। जैसे कि पहले हमारे वहाँ खाना, आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में बनता था, लेकिन वेस्टर्न इम्पैक्ट की वजह से हम लोग एल्यूमिनियम का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, अब कोई खेती बाड़ी करना नहीं चाहता है, अब सबको लगता है कि इसका आउटकम, आउटपुट कम है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, प्रेशर कम है, और आजकल का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। फर्टिलिटी वेरिएशन, आपको पता है कि बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट इतना चेंजेस क्यों आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, चाइल्ड और फैमिली के लिए बहुत ही लेस नंबर कर दिए सब ने। नेक्स्ट क्या? चेंज इन मैरिज,
सबसे पहले नेवर मैरिड यंग एडल्ट रिजल्टेड रिडक्शन इन फैमिली साइज, ये एक लाइन है जो सबसे पहले आता है आपका चेंज इन मैरिज में। एज मैटर करती है, अगर आपने सही प्यूबर्टी एज से पहले मैरिज कर दी तो वो दोनों इमेच्योर हो, तो मेल एंड फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो मैरिज आपकी नहीं चल सकती है। और नेक्स्ट आपका अभी आपने मैरिज में पढ़ा और टाइप्स पढ़ा, तो अभी आपको पता चल गया ना पॉली एंड्रस पॉली गाइनस क्या होता है, प्लस उसके साथ में हम लोगों ने अभी इंटरकास्ट अदर फॉर्म्स देखे, उसमें इंटरकास्ट चाइल्ड मैरिज भी था। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स आपका है कमर्शलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक का तो आपको पता है कितना है, क्योंकि वही इवोल्यूशन को ही कर रही है, वही कॉस्ट ऑफ लिविंग देखती है, डिज़ायर देखती है, लग्जरीज लाइफ देखती है, एजुकेशन भी उसी पे है, लो लेवल इनकम है, हाई लेवल इनकम है, उसी के बेसिस पे डन होता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप एक एक पॉइंट को इसे डिस्कस कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा आपका, मैंने इंटाग्राम से क्लियर कर दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कोई डाउट हो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी या फिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड आप वो भी डिस्कस कर लीजिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।